हेलो स्टूडेंट्स, 11th सेट्स एक्सरसाइज 1.2 पर हम देखेंगे आज। इसका बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा है। अब यहाँ पर नल सेट ढूंढना है। नल सेट क्या सेट होता है? वो डिनोट होता है फाई से। क्या होता है? फाई से। थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। हाँ, डिनोटेड बाय फाई। इसमें क्या है? कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इन चारों में, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये वीडियो में ज्यादा टाइम खाता है लिखने में। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू। हमें वो ऑड नंबर ढूंढने जिनको टू से डिवाइड होगा। देखो, अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ टू देखेंगे, उन्हीं को डिवाइड करता है जिनको लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जिनको लास्ट पर ही आता है? कोई नहीं है ना, क्योंकि ये सारे इवन है। अगर ये लास्ट पर आए तो सब इवन हो जाएंगे। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये फाई है। एक हमने ढूंढ लिया, ये नल सेट है। वी कैन से दिस इज फाई सेट। ठीक है। अब दिस दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ। इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है टू। देखिए, इसका तो एलिमेंट लिख लो, दैट मींस वी कांट से इट इज फाइव। ये नल सेट नहीं है क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये हमारा नल सेट नहीं है। ये इंसर्ट को कीजिए। अब दूसरा एक्स सच दैट एक्स, ये नेचुरल नंबर है। वो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। ये क्या बात हुई? इट्स एब्सर्ड। देखो, 5 से छोटा कोई नंबर हम लेंगे 4 लेंगे, मगर वो तो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो? चलो, अगर हम लेंगे एक्स 4, चलो ये 5 से छोटा है, और फिर लेंगे क्या ये 7 से बड़ा है? 7 से बड़ा है ये? नो, ये तो 7 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब अगर हम 8 भी लेंगे या 8, लेकिन वो 5 से छोटा नहीं है, वो तो 5 से बड़ा है, फिर ये कंडीशन वायलेट होती है। तो दोनों बाय कंडीशन जो ये स्टेटमेंट यहां पर दो दिए गए हैं, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं होगा जो 5 से छोटा होगा 7 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये भी फाइव सेट है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट वाई साइड एंड वाई। एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है नहीं, ये पैरेलल लाइंस की बात चल रही है। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती। अगर वो मीट नहीं करती तो कॉमन पॉइंट उनका होगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स देंगे, इनका एक कॉमन पॉइंट है, तभी ये इंटरसेक्टिंग है। लेकिन पैरेलल लाइन्स जो है उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब ये तो फाई सेट है। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो पैरेलल लाइंस को कट करे, जो पैरेलल लाइंस का कॉमन हो। इधर भी पाया जाएगा, इधर से भी पाया जाएगा, तो फिर ये इंटरसेक्टिंग, दैट मींस इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फाई नल सेट, और ये हमारा नल सेट, और ये हमारा, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है टू, इवन ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर। तो ये नहीं है, ये तीनों हमारे नल सेट आ गए। नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर टू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11th सेट्स का, ये एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ढूंढना है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। पढ़ाया मैंने आपको बेसिक्स में। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, कितने मंथ्स हैं? ऑब्वियसली 12 मंथ्स। तो ये फाइनाइट हो गए ना, 12 नंबर्स है, 12 एलिमेंट्स है इसमें, तो इट इज फाइनाइट। लाइकवाइज दूसरा, 1, 2, 3 अप टू सो एंड सो फार, ये हमारा नहीं बताता है कितने तक जाता है। इट मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी कैन काउंट देम, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। लेट अस सपोज दैट नेचुरल नंबर एक पॉइंट पर हम आ गए, एक्स बोलेंगे, ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमें मिला, ये फाइनल है, यही है। लेकिन अगर इस जड़ा जो हमने ढूंढा, इसको हम एक और ऐड करेंगे तो फिर इससे बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब हम नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं ढूंढ सकते। ये कितने होंगे? देन इट इज इनफाइनाइट सेट। हाँ, अब ये 1, 2, 3 अप टू 99 अप टू 100, ये 100 एलिमेंट्स हैं। 100 एलिमेंट्स इसमें पाए गए, तो काउंटेबल है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हम ढूंढ सकते हैं कितने हैं, बस।
दस है, बीस है, पचास है, जितने जो इनफिनाइट वो है जिसके हम ढूंढ नहीं सकते। अब देखो, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आप ध्यान दीजिए। ये पॉजिटिव इंटीजर्स 100 के ऊपर जितने भी इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल 101 लेंगे, 102 लेंगे, ये इंटीजर्स पूरे होते हैं ना, तो ये फिर आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे, इनका भी एंड नहीं होगा। 103, 104, 104 ये चलते जाएंगे ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट है इंटीजर्स 100 से आगे बहुत सारे, जिस तरह यहां पर मैंने आपको मिसाल दी। अब देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से नीचे कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आप ढूंढ सकते हो कितने हैं आराम से, क्योंकि ये 99 के ऊपर से बात नहीं करता नीचे तक, वो भी फाइनाइट है, फाइनाइट, ये भी फाइनाइट सेट है। इसमें आप देख लीजिए कितने एलिमेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, फाइनाइट और इनफिनाइट सेट ढूंढो, दी गई एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स उनको कहते हैं जिनके एलिमेंट्स बराबर हों, एक जैसे हो। इफ ए इज कंटेनर्ड इन बी एंड बी इज कंटेनर्ड इन ए, और वी कैन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, जैसे मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया है पहले लेक्चर में। अब देखो लेक 1 ए में, लेक 1 बी में आप देख लीजिए, ए बी सी डी, डी सी बी ए, ये देखो एलिमेंट्स ए ए यहां पर भी है, बी बी यहां पर भी है, सी सी यहां पर भी है, डी डी है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कंटेन करते हैं, इट मींस दैट ये इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं ये। अब देखो ये 4 8 12 16 ये इक्वल सेट है, 4 यहां भी यहां भी, 8 यहां भी यहां भी, 12 यहां तो नहीं है, 16 16 16 है, लेकिन 12 और 18 में डिफरेंस आ गई, ये तो कंटेन ही करते एक दूसरे को, इनका एक ही एलिमेंट क्यों ना इधर उधर हो, तो हम इसको कह सकते हैं दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, तो हमें इक्वल सेट ये मिला। x such that x is a positive integer and lesser equal to 10, एक पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से नीचे हो, उसमें क्या क्या आते हैं, 2 4 6 8 और 10, और दूसरा 2 4 6 8 10 भी ये है, तो ये भी ये आ गया, ए भी ये आ गया, तो ये भी इक्वल सेट है इसको भी। अच्छा अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ पार्ट है, x such that x is a multiple of 10, 10 के मल्टीपल जरा दिखाओ, 10 ones are first multiple 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, yes, one and so for जाए भी जाए, ठीक है, लेकिन b क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, ये 15, 25 है, तो 10 के मल्टीपल्स नहीं हुए, इसका मतलब ये जो सेट था ये इनका बनता है और ये यहां पर पूरे नहीं है, इनमें 15 भी है, 25 जो कि उसके मल्टीपल नहीं है, we can say that these are also not equal sets, तो हमें दो इक्वल सेट्स मिले, एक ये और दूसरा ये, बात आई समझ में, नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू 2 3, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, ये इक्वल सेट ढूंढने हैं, बी इज इक्वल टू एक्स साइज एट एक्स, ये सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म सेपरेट के जरिए प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ये आता है हमारा x into x plus 2 plus 3 कॉमन निकालेंगे, x plus 3 2s are 6 यहां भी 2 रहेगा, इन दोनों में एक और ये एक, x plus 3 into x plus 2 ये आ गया इसका सॉल्यूशन। इट इंप्लाइज दैट या तो x plus 3 0 के बराबर है या x plus 2 0 के बराबर है, तो ये आ गया x is equal to plus 3 इधर जाएगा minus 3 plus 2 इधर जाएगा minus 2, तो इस बी सेट के हमें दो एलिमेंट्स मिले -3 -2, और ये ए सेट हमारा दिया गया है उसमें 2 और 3, क्या ये इक्वल सेट्स हैं? नो, क्योंकि इनके एलिमेंट्स तो डिफरेंट निकले, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इक्वल सेट्स नहीं है। इसी तरह ये ए ऐसा सेट है, इस
फॉलो को जरा हम सेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, दूसरा एल नहीं आएगा, दूसरा ओ भी नहीं आएगा, डब्ल्यू हाँ तो दूसरे में बनाएंगे, क्यों? ये सेट जो है ना डिस्टिंग्विशेबल, वेल डिस्टिंग्विश्ड और वेल डिफाइंड, दो बार नहीं आने चाहिए, इसी तरह बोल हाँ डब्ल्यू ओ एल एफ, अब इनके एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, डब्ल्यू यहां भी यहां भी, ओ यहां भी यहां भी, एल यहां भी यहां भी, एफ हाँ ये तो दोनों इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है, एक दूसरे को कंटेन करेंगे। हाँ अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें सेट दिए हैं, उन सेट्स का हमने इक्वल सेट्स ढूंढने हैं, कौन कौन है इसमें इक्वल सेट्स। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइव और फोर जो था इक्वल सेट्स पर था, मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए होमवर्क है, कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उसमें भी ये वीडियो डाले जाएंगे, आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। आज की क्लास यहीं पर खत्म होता है, अल्लाह हाफिज़।